सुहेल साहब ये बताइएगा कि ज़िला खुशाब में अहम सियासी पेशरफ हुई और सबक वज़ी सुमेरा मलिक टिकट ना मिलने पर मुस्लिम लीग मून छोड़ चुकी हैं तो यहाँ पर इंतबी सूरत हाल क्या है देखिए सतासी खुशाब जो कि वादी सून का हलका है यहाँ भी बड़ी सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है एक तो ये है कि ये हलका काफ़ी अरसे से एक छोटा सा कस्बा कह लें गाँव कह लें पधराड़ वही इसको लीड कर रहा है और इस दफ़ा भी पद्रहाड़ के ही सारे मेन जो हैं वो राइवल हैं एक तरफ तो आपको शाकर बशीर अवान नज़र आते हैं नून लीग के उम्मीदवार शाकर बशीर अवान ये बशीर अवान साहब के बेटे हैं मलक करम बख्शा के जो हैं पोते हैं और बशीर अवान साहब भी यहाँ से एम पी ए रहे और मलक करम बख्शा साहब एम एन ए रहे भुटो दौर में और बाद में तो ये दूसरी तरफ इन्हीं के जो रिश्तेदार हैं मलक नईम अवान उन्होंने फिर इनको सियासत से मैं शिकस्त दी थी अब उनके भांजे उमर असलम आवान साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं पीटीआई के लेकिन अब जाहिर है उन्हें भी आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और तीसरे जो हैं अली सावल आवान साहब ये जनरल सलीम मलिक के बेटे हैं ब्रिगेडियर सावल के जो हैं पोते हैं और ये भी जो है उमर असलम अवान साहब के कज़न हैं क्योंकि ब्रिगेडियन सावल के दो बेटे थे मलिक नईम अवान और जनरल सलीम तो ये अली सावल जो हैं ये सलीम साहब के बेटे हैं और उमर असलम साहब जो हैं वो मलिक नईम अवान के भांजे हैं जो यहाँ से पिछली दफ़ा एम एन ए थी सुमेरा मलिक उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने अगरचे अपने खामंद अपने बेटे अपने कागज़ जमा कराए थे लेकिन चूँकि टिकट नहीं मिला तो वो खामोश हो गई हैं ला तलकी का ऐलान कर दिया है नून लीग छोड़ दी है और आई पी पी के साथ हैं अब वो तो देखना ये होगा कि इस दफ़ा भी क्या पदराड़ी सियासत जो है उसमें से कौन सा कज़न कौन सा रिश्तेदार कामयाब होगा या किस दफ़ा कोई तब्दीली की तो है वो की जाएगी सुहेल साहब जिला मियाँ वाली की अगर बात करें तो यहाँ कौन कौन से हम सियासी रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में देखिए जी मियाँ वाली बड़ा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़ा अहम हल्का है ये एन एटी नाइन मियाँ वाली है यहाँ से पिछली दफ़ा इमरान खान साहब जीते थे उससे पिछली दफ़ा भी जीते थे यहाँ अब इस दफ़ा नून के तो वही उम्मीदवार हैं वैदुल्ला शादी खेल साहब जो गुलाम रसूल शादी खेल साहब बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे जो है एम अभी रहे उनके बेटे हैं और पीपल्स पार्टी में भी ये रहे लेकिन अब ये नून के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ क्योंकि इमरान खान नहीं लड़ रहे उन्होंने अपने एक दरीना कारकुन जमाल अहसन ख़ान न्याजी जो हैं उनको टिकट दिया है और पीपल्स पार्टी की तरफ से नवाब आफ कालाबाग फैमिली से मलक अमीर मोहम्मद ख़ान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और जो है यहाँ पे कोई इतने सख्त मुकाबले तो नहीं तो उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि पीटीआई भी अब पीटी जो मियाँ वाली है यह अब पीटीआई का किला बन चुका है लेकिन अब देखना ये होगा कि आजकल के मुश्किल हालात में जबकि पीटीआई जो है वो बड़ी ट्रबल में है क्या अब भी वोटर उन्हीं का साथ देता है या नून लीग या पीपल्स पार्टी के मलक अमीर मोहम्मद ख़ान जो हैं जो कि नवाब ऑफ कालाबाग बाग हैं बेसिकली अब तो वो उनको लोग वोट देते हैं